आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा दो अदाकाराओं के बारे में, पहली दुर्गा बाई कमाट और दूसरी इनकी बेटी कमला बाई गोखले, उनका नाम भी कमला बाई कमाट था। दुर्गा बाई कमाट 1879 में पैदा हुई और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म हीरोइन तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने लड़की की माँ का किरदार अदा किया, लेकिन आप इन्हें पहली एक्ट्रेस कह सकते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। और आपने अपनी पहली फिल्म दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करके अपनी पहली फिल्म से आगाज़ किया, और पहली फिल्म थी इनकी मोहिनी भस्मासुरा, इन्होंने लड़की की माँ का किरदार अदा किया और इनका जो कैरेक्टर था वो पार्वती का कैरेक्टर था। और इस फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने और भी बेशुमार फिल्मों में काम किया, और इनकी जो बेटी थी कमला बाई उसने भी फिल्म में काम किया। और ये 1997 में 116 साल की उम्र में फौत हो गई, और इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया, और इनके जो हस्बैंड थे वो जे जे आर्ट स्कूल के हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब हम बात करेंगे दुर्गा बाई कमाट की बेटी कमला बाई कमाट, जो कि बाद में कमला बाई गोखले होगी, उनके बारे में। कमला बाई कमाट या कमला बाई गोखले पहली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली हीरोइन थी, उनकी उम्र 13 साल थी, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म दादा साहब फाल्के के साथ की, और फिल्म का नाम था मोहिनी भस्मासुरा, और उन्होंने मोहिनी का किरदार अदा किया। क्योंकि वो डांस वगैरह रक्स वगैरह की तरबियत पहले ही हासिल कर चुकी थी, इसलिए उनके लिए ये किरदार इतना मुश्किल नहीं था। और जब कमला बाई गोखले 15 साल की उम्र की हुई तो वो एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। कमला बाई कमाट की शादी रघुनाथ राव गोखले से हुई, और उसके बाद शादी के बाद उनका नाम बदल गया, कमला बाई कमाट की जगह कमला बाई गोखले हो गई, और वो भी रघुनाथ राव गोखले भी फिल्म टीवी और स्टेज के एक्टर थे, और इन दोनों को एक फिल्म में लीड भी कास्ट किया गया। लेकिन कमला बाई गोखले की उम्र जब 25 साल हुई तो उस वक्त उनके दो बच्चे थे और तीसरा बच्चा दुनिया में आने वाला था, और रघुनाथ राव दुनिया से चले गए, और वो ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में विवाह हो गई। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कमला बाई 15 साल की उम्र में स्टार बन चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया। उन्होंने दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म मोहिनी भस्मासुरा में काम किया, उसके बाद सवस्त्रिया में काम किया, और कमोबेश उन्होंने दादा साहब फाल्के के साथ 5 फिल्मों में काम किया। और उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसके बाद और भी कंपनियां बन चुकी थी, और दूसरी कंपनी में इसलिए चली गई क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे रघुनाथ राव गोखले वो भी एक्टर थे, इसलिए उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने कमोबेश कमला बाई गोखले ने 37 फिल्मों में काम किया, और उनकी जो पहली फिल्म थी मोहिनी भस्मासुरा थी, और उनकी आखिरी फिल्म गहराई थी जो कि 1980 में रिलीज़ हुई। और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म में काम किया एक नज़र, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे, और 37 फिल्मों में उन्होंने काम किया, और उन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी और मुश्किल ज़िंदगी भी गुजारी। और मेरे ख्याल में कमला बाई गोखले ने हिंदुस्तान में पहली फिल्मी हीरोइन होने का एजाज़ भी हासिल किया, और उन्होंने फिल्म में जो मोहिनी भस्मासुरा में डांस का जो एक उसका सीन था वो अदा किया, 5 मिनट का या 10 मिनट का, वो उसे आप आइटम नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की पहली डांसर भी उन्हें कह सकते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि विक्रम गोखले इनके ग्रैंडसन हैं,
और विक्रम गोखले जो सलमान खान की फिल्म लकी में उनके बाप बनते हैं, और हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय के बाप बने हैं विक्रम गोखले, वो कमलाबाई गोखले के ग्रैंड सन हैं और वो अब भी जिंदा हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ, और मेरी अगली वीडियो होगी वो फिल्म जो 1914 में बनी और दादा साहब फाल्के के साथ जो जिन और दूसरे लोगों ने फिल्म मेकिंग का काम शुरू किया उसमें पटनकर एक और शख्स हैं जो कि बिल्कुल दादा साहब फाल्के के बराबर के उन्होंने काम किया है, और उन्होंने इनसे ज़्यादा काम किया, उन्होंने एक्टिंग भी की। और अगली वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स का इजहार कीजिए। और मेरे ख्याल में ये दिलचस्प वीडियोस हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। बहुत शुक्रिया।